आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे विश्वविद्यालय आरा के जितने भी छात्र हैं। आज वीडियो थोड़ा हट के होगा क्योंकि विश्वविद्यालय आरा के छात्रों के भविष्य का बात है। अब क्योंकि विश्वविद्यालय आरा में जब स्नातक पार्ट वन का एग्ज़ाम हो या स्नातक पार्ट टू का एग्ज़ाम हो या स्नातक पार्ट थ्री का एग्ज़ाम हो, जब भी आपका एक साल बैक लग जाता है विश्वविद्यालय आरा से जुड़े जो भी कॉलेज से आप हैं, यदि आपका एक साल किसी पेपर का एग्ज़ाम छूट जाता है तो जान लीजिए कि विश्वविद्यालय आरा का जो आपका रिजल्ट है पेंडिंग पर पेंडिंग आगे बढ़ते जाता है। जैसे कि आपका एब्सेंट लग जाता है तब पर भी आपका रिजल्ट आने में आगे दिक्कत हो सकता है, प्रमोटेड भी हो जाता है तो आपका रिजल्ट विश्वविद्यालय आरा में सुधार करने के लिए दिक्कत है। विश्वविद्यालय आरा से सभी कर्मचारी को हम ये भी बताना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से हो या वहाँ पर हम लोग जाते हैं बात भी करते हैं, आप लोग जो भी छात्रों का रिजल्ट होता है थोड़ा सही से देखकर, ऐसे नहीं है जो भी छात्र रिजल्ट अपना बनवाने के लिए जाते हैं आरा तो सुधार करने में बहुत दिन लग जाता है, बहुत दिन का उनका जितना भी सोच होता है सब सोच बीत जाने के बाद ही रिजल्ट सुधार होता है। चलिए इस मुद्दा को हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बात करते हैं विश्वविद्यालय आरा का रिजल्ट पेंडिंग क्यों चला जाता है, इसके बाद एब्सेंट क्यों लग जाता है, प्रमोटेड क्यों लग जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि सब्सिडरी सब्जेक्ट में आप सभी को 33 नंबर लाना जरूरी होता है और अनर्स सब्जेक्ट में आपको 45 लाना जरूरी होता है। अब रहा कि विश्वविद्यालय आरा का स्नातक पार्ट टू हो, वन हो, थ्री हो, आए दिन विश्वविद्यालय आरा का नाम चर्चित में आ रहा है रिजल्ट पेंडिंग को लेकर, छात्र परेशान हो जाते हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे स्नातक पार्ट टू का। हमें आशा है कि बिहार इन्फो का आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए होंगे, बिहार इन्फो प्ले स्टोर पर जाएंगे बिहार इन्फो तो आप लोग का वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर सभी जानकारी वहाँ पर भी मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और हम बात करते हैं 18 से 21 का। जब स्नातक पार्ट टू का रिजल्ट हमको देखने को मिला, बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग क्यों गया ये आप जान लीजिए। अब आप लोग का रिजल्ट जो है, आप लोग जो एग्ज़ाम दिए थे, आप लोग का जो एग्ज़ाम था घर बैठे हुआ था, आप लोग का जो एग्ज़ाम हुआ था घर बैठे हुआ था, जो आपका कॉपी चेक किया है आपके कॉलेज के टीचर ही किए हैं। जब आप लोग का एग्ज़ाम सेंटर पड़ता था वो हमें बहुत अच्छा लगता है कि सेंटर पर एग्ज़ाम पड़ता है तो सेंटर पर एग्ज़ाम पड़ता है तो कॉपी आपका अलग यूनिवर्सिटी में जाता है कॉपी चेक करने के लिए, या उसके लिए अलग कमेटी बैठता है। तो क्या होता है कि वहाँ पे जाता है तो छात्र या टीचर, जो टीचर होते हैं समझते हैं कि विश्वविद्यालय आरा के छात्र कैसे लिखे हैं, लेकिन जब पर भी आप एग्ज़ाम देते हैं सभी क्वेश्चन का जवाब दिया करिए, क्योंकि आप सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो दो दो नंबर भी मिलेगा, तीन तीन नंबर भी मिलेगा, तो आपका फुल मार्क्स 33 तक पहुँच जाएगा। अब रहा कि छात्र फेल क्यों हुए हैं, फेल होते हैं क्यों। अब जैसे ही आप लोग का जो काफ़ी असाइनमेंट के आधार पर हुआ था तो आपके टीचर ही इस कॉपी को जांच किए थे, उनसे हमारी बात हुई, वो लोग बोले कि प्रश्न कुछ और कह रहा है लेकिन छात्र उत्तर कुछ और लिखे हैं, विशेषता पूछा गया है तो वो उनके प्रकार बता रहे हैं। यानी कि आप लोग चेट करके लिखते हैं तो आपको चेट करने में भी वहाँ पे सावधानी बरतनी है कि आप लोग को कैसे लिखना है। मान लेते हैं किसी भी कॉलेज का हम ले लेते हैं, MB कॉलेज का ही लेते हैं क्योंकि MB कॉलेज में भी रिजल्ट पेंडिंग में है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हम शेरशाह कॉलेज का यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे किसी भी रिजल्ट को हम नीचे से लेते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफलाइन मोड पे है। इसको हम क्या करते हैं कि बैक करते हैं, बैक करने के बाद इसको हम कोई भी रिजल्ट हो यहाँ से हम ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको ओपन करने में इसको दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पर हम किसी भी TR को हम ले लेते हैं, यहाँ पर जो भी आपका TR है इसको हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद इसका रिजल्ट जो है हम यहाँ से लेते हैं, जैसे कि ये शंकर कॉलेज है, शंकर कॉलेज का जो रिजल्ट है हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको बताते हैं। अब मान लेते हैं कि जो भी आपका रिजल्ट है स्नातक पार्ट वन हो, टू हो, इसमें बहुत ही सावधानी बरतना है कि आपका रिजल्ट एब्सेंट प्रोमोटेड ना हो। यदि हो जाता है तो क्या करना है, डायरेक्ट आपको आरा चले जाना है, उस वहाँ पर रह कर अपना रिजल्ट उसी समय एक या दो दिन में अपना रिजल्ट सुधार करवा लीजिए, नहीं तो पेंडिंग चला गया आपका रिजल्ट तो पेंडिंग आगे आपका रिजल्ट बढ़ते रहेगा। इसमें विश्वविद्यालय आरा के कर्मचारी आपका कुछ नहीं सुनेंगे, आपका रिजल्ट आगे पेंडिंग बढ़ते जाएगा। अब देखिए आपके सामने ये PDF ओपन हो रहा है,
बहुत सारे टीचर से हमारी बात हुई, वो लोग बोले कि प्रश्न जो होता है कुछ और बोला गया है, लिखे कुछ और है, हम लोग लाचारी बस में उनको प्रमोटेड करना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग कुछ और लिखे रहे हैं। अब रहा कि बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि पढ़ाई नहीं होता है, आप लोग यदि 20 से 25 छात्र भी कॉलेज में जाएंगे और बोलेंगे कि पढ़ाई नहीं होता है तो हम लोग आपके साथ हैं क्लास कराने का, लेकिन आप लोग रेडी होंगे तब। यहाँ पे देख रहे हैं कि नेटवर्क इशू के कारण नहीं खुल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट पेंडिंग प्रोमोटेड चला जाता है। तो एक ही उपाय है कि आप लोग सही से उसको लिखिए, जो प्रश्न कहता है वही लिखिए। यदि आपका इधर उधर जाता है तो देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि पास है, प्रमोटेड है, तो आपको अनर्स में 45 और जो भी होता है आपका सब्सिडरी उसमें आपको 33 लाना जरूरी होता है। यहाँ पे पास है तो कहीं कहीं देखिए 50% टीचर ऐसे होते हैं कि बहुत सारे छात्रों को फेल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं कि थोड़ा उनको कॉपी अच्छा चाहिए, जो भी रिजल्ट है उनको सही बनाते हैं लेकिन उनको कॉपी अच्छा चाहिए, जो प्रश्न कह रहा है वहीं उनको उत्तर चाहिए। तो विश्वविद्यालय आरा के छात्र समझ लीजिए कि आपका जो रिजल्ट है पेंडिंग जाने का यही कारण है कि आप लोग पेपर सही से लिखिए, पेपर सही से नहीं लिखते हैं। और जो छात्र एब्सेंट हो गए, मेमो हो गया है, जैसे कि एब्सेंट बता रहे हैं, तो इसमें विश्वविद्यालय आरा के टीचर्स का भी गलती है कि आपको एब्सेंट क्यों किया गया है। तो वहाँ से मेमो निकाल कर आप आरा जाकर, हाँ रिजल्ट सुधार करवाना था आपको, 1 से 2 दिन वहाँ रह कर सुधार करवा लीजिए, आपको वहाँ पे तत्पर होकर, यदि वहाँ पे छोड़ कर यदि आता है तो आपका रिजल्ट पेंडिंग चला जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे से हम लोग देखेंगे कि रिजल्ट पेंडिंग ना जाए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर बताइएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।